अच्छा, किसी के छोड़कर चले जाने से परेशान हो, खासकर उस शख्स से जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तुम्हारे लिए वो सब पूरी दुनिया वही था तुम्हारे लिए। ब्रेकअप। अच्छा, ब्रेकअप होता क्या है? कोई ऐसा शख्स जो कल तक आपका था वो आज किसी और का है, और वही शख्स आज किसी और के साथ मस्त है, और तू यहाँ खुद की लेने में व्यस्त है। मतलब खुद की ज़िंदगी तबाह कर रहा है या कर रही है, क्या फ़र्क पड़ेगा उसे? उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तू जिए या मर जाए। जिसे तेरे आंसुओं से फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसे इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तू किस हाल पे है। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, बेवकूफ़ी करना, किसी के लिए रोना, पछताना, तड़पना, बिल्कुल जी जान लगा देना कि नहीं यार, वो वही तो दुनिया था, उसके बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, अब मर जाऊँगी। अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखो। किसी से आप बहुत प्यार करो, लेकिन वो बंदा या बंदी जब आपके लिए लॉयल हो रियल में, तो उसके लिए सब कुछ कर जाओ, हर हाल में गुजर जाओ, हर कंडीशन पे उसके साथ दो, वहाँ तक जायज है। लेकिन अगर वो शख्स आपको छोड़ के चला गया, किसी और के साथ मस्त है, तो भाड़ में गए वो और उसके लोग, उसकी दुनिया। आप खुद की इज्जत करो सबसे पहले। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। आपको परेशानी इस बात से है कि वो किसी और के साथ मस्त है, किसी और के साथ खुश है, बाकी आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपका नहीं हुआ या नहीं हुई। आप सबसे पहले खुद की इज्जत करो, खुद से प्यार करो, ठीक है? खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने मत दो। हर इंसान, कभी आप मिरर के सामने खड़े होकर देखना कि क्या सच में आपके अंदर कोई कमी है। अगर नहीं है तो फिर क्यों परेशान? वैसे ही हो जैसे सारे लोग हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है यार? सामने वाले ने आपको ये नहीं बताया कि आप में प्रॉब्लम क्या थी, आप में कमी क्या थी, ज़रूरी है बताना? हो सकता है उससे किसी और में ज़्यादा अच्छाइयाँ दिखी हो, उसे वो चाहिए नहीं था जो आपके पास है, फिर आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती करोगे? नहीं ना, क्योंकि प्यार करते थे आप। अगर प्यार करने के बाद भी आप उसे ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि उसे तकलीफ हो, तो आप प्यार ही नहीं किए थे। फिर रहने दो उसको खुश, आप अपनी दुनिया में खुश रहो। आप अपने लिए सोचो, अपनों के लिए सोचो, जो आपके लिए जी रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपकी फैमिली, कोई भी हो सकता है। तो आप उनके लिए जीना सीखो, अपने लिए कुछ करना सीखो। हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। आप किसी को देखते हो कि ये ऐसा बंदा, यार मैं इस तरह बनना चाहता हूँ, यही तो गलती है। आप खुद में यूनिक हो यार, आप खुद जैसे हो वैसे रहो ना। आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, आप किस में बेस्ट हो, वो करो ना। हर जो बंदा कर सकता है या बंदी कर सकती है, आप नहीं कर सकते ना, पर जो आप कर सकते हो वो भी तो हर कोई नहीं कर सकता ना। तो आप वो करो ना जो आप कर सकते हो। क्यों परेशान हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो किसी के सामने? अगर भीख मांगने से वो बंदा या बंदी आ भी गई, तो क्या लगता है वो आपका हो जाएगा? घंटा नहीं होगा वो आपका कभी। जिस दिन तक आप उसके पैरों में पड़े रहोगे, उस दिन तक आपकी इज्जत रहेगी। इज्जत तो छोड़ो यार, इज्जत गई भाड़ में। उस दिन तक वो आपके साथ रहेगा, उसके बाद छोड़ के चला जाएगा। फिर अगर उसको आपकी इज्जत ही होती, तो आपको छोड़ के क्यों जाता, क्यों जाती? आखिर क्यों परेशान हो? कभी सोचा है कि यार जो इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो किसके लिए यार? वो क्या लौट के आ जाएगा? अगर लौट के आ भी जाएगा, तो वो मुझे छोड़ के ही गया था, तो कल भी तो छोड़ के जा सकता है ना। फिर क्यों? क्या सच में आप खुद की नज़रों में कुछ भी नहीं हो, नथिंग? तो फिर आप किसी की नज़रों में कैसे कुछ ऊपर हो सकते हो? ऐसा शख्स जो खुद की नज़रों में ही कुछ नहीं है, उसे सामने वाला क्या रिस्पेक्ट देगा यार, क्या इज्जत देगा? और याद रखो, आज की दुनिया उसी के पीछे भागती है, और यही हकीकत है। जो इंसान काबिल है, उसे कोई भाव नहीं देता। जो इंसान पीछे खड़ा होता है, किसी काबिल नहीं होता। जो खुद को नहीं पहचानता कि वो क्या है, वो किसी और को क्या पहचानेगा, किसी और से क्या प्यार करेगा यार? बी पॉजिटिव और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।